सलाम, नमस्ते, जय जोहार, जय श्री राम। तो एक बार फिर मैं और मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं विपिन, वो आपका स्वागत करते हैं। गाड़ी बुला रही है, इस बार खास ये इंजन है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये कोई रेप्लिका नहीं है, दरअसल ये इंजन है जिसे अब यहाँ पर रखा गया है। और 1955 से 1998 तक इसने बाकायदा रेलवे के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। जापान की मदद से इंजन बना था, सीजो काइसा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है तमाम जानकारियां। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में कपड़े कहीं भी सुखाए जा सकते हैं, तो वो भी आप देख पा रहे हैं कि कपड़े भी यहाँ पर सुखाए गए हैं। स्टीम लोकोमोटिव का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है, रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे। अब इस बात को समझ लीजिए, इशारा आपको मिल गया होगा कि अब मैं इंदौर से रतलाम झाबुआ जो संसदीय सीट है उसकी तरफ रुख करने जा रहा हूँ। और रतलाम झाबुआ का क्या दिलचस्प समीकरण है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं इंदौर से अपनी विदाई ले रहा हूं और इंदौर से अब शुरुआत हो रही है हमारे नए सफर की, जिसमें हम रतलाम झाबुआ की तरफ जाएंगे। कल भी रतलाम झाबुआ को समझने की कोशिश करेंगे, वोटर का मानस, पूरे देश के वोटर का मानस भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा खास शो, गाड़ी बुला रही है। तो इससे पहले कि मैं रतलाम झाबुआ संसदीय सीट के बारे में बताऊं या मैं ये अनाउंस करूं कि गाड़ी बुला रही है, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विपिन है, उससे पहले मैं एक बात जो मैंने महसूस की कि स्लीपर का डब्बा दरअसल मध्यम वर्ग के संघर्ष को झेलने वाला है। ना तो इसमें एकदम फ्री है और ना तो खरीदने के बावजूद भी जगह पूरी मुकम्मल मिल पाती है। तो अगर आपको मध्यम वर्ग को समझना है तो किसी दिन आप स्लीपर के डब्बे में सैर करके देखिए। सैर मैं इसलिए कह रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि इसमें बैठना, इससे जाना, वो किसी संघर्ष से कम नहीं है। वोट करते हैं दोस्त आप? जी भैया जी, एजुकेशन तो प्रायोरिटी होनी चाहिए और एक एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन, यही दो प्रायोरिटी ज्यादा है। इस बार वोटर क्या जनादेश देगा वो जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, एजुकेशन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में जो अभी आप कंडीशन देख रहे हैं कि हम ट्रेवल करने के लिए लाइन में लग रहे हैं, अभी इंदौर निकले हैं और अभी ट्रेन इतनी भरी पड़ी है। ये सर आप वोट करते हैं? करता हूँ ना सर। क्या मुद्दे हैं आपकी नजर में? मेडिकल होना चाहिए बस, और बाकी तो जो है सब बढ़िया है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार? मेरे हिसाब से देखा जाए, बेरोजगारी और महंगाई, तो देश आजाद हुआ तभी से ये मुद्दे चले आ रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा दिया 72 में, जब से आज तक चला आ रहा है। इंदिरा का नारा? हाँ, इंदिरा जी ने नारा दिया था और ये मुद्दे लगातार। अभी हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इसके लिए उचित सांस्कृतिक, अपनी जो भारतीय संस्कृति की शिक्षा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा थी जिसको जला दिया गया है, मुगलों और अंग्रेजों ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया था, तो उसपे वापस उस शिक्षा पे अमल करके और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहिए। सांस्कृतिक और जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो आप खुद देख रहे हैं ट्रेन में, आप बढ़िया, पहले लोकल में जाते थे तो कैसी गंदगी रहती थी और कैसा माहौल रहता था, आज बहुत बढ़िया स्थिति है। मैं लोकल में जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है रिजर्वेशन में जा रहे हैं। मतलब सुधार है और सुधार की गुंजाइश है। और हाँ जी, हर काम में मोदी है तो मुमकिन है, बस तालियां बज जाती भाई, कुछ राजनेता ऐसे हो जाते हैं। आप भी ताली बजा रहे हैं, सबसे ज्यादा मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया था मीडिया का। मैं जॉब करता हूँ वडोदरा में, बेसिकली मैं इंदौर से हूँ बट मैं वडोदरा में जॉब करता हूँ। तो इंदौर में भी जॉब मिलनी चाहिए? हाँ मिलती है, बट थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ता है, प्लेसमेंट हुआ है तो जाना पड़ता है। इंदौर को 24/7 वर्क करना पड़ेगा, जैसे अभी चल रहा है इंदौर में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उस पे भी थोड़ा सा पुलिस को वर्क करना चाहिए। तो अगर जब तक 24/7 इंदौर वर्क नहीं करेगा जब तक आईटी मुश्किल है वहाँ पर। तो अभी जॉब के लिए तो इंदौर में थोड़ा स्ट्रगल है, तो इसलिए सरकार तो कह रही है इतने एमओयू हुए हैं, कंपनियां क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रही होंगी इंदौर में जबकि इंदौर के पास सब है। उसके बाद भी हमें वडोदरा जॉब करने जाना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। मैंने अभी 2023 में मेरा MBA कम्प्लीट करा है बट स्टिल जॉब का रिसेशन, जॉब बिल्कुल नहीं थी। जैसे तैसे करके हम 800 स्टूडेंट में से ऑलमोस्ट 300-400 स्टूडेंट प्लेस हुए, 400 स्टूडेंट का अभी भी कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या मुद्दे हैं?
मेन तो कंपनीज को लेकर ही है, जॉब को लेकर ही है कि हमें खुद, मैं खुद इंदौर से हूँ तो बाहर जाना पड़ा क्योंकि इंदौर में है कमी, कहीं ना कहीं है। आप वोट करते हैं सर? जी सर। क्या मुद्दे आपके हिसाब से इस बार? सर सबसे पहले तो शिक्षा, उसके बाद लड़कियों की सिक्योरिटी वुमेन के लिए, उसके अलावा जो आदिवासी के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको पैदल बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, जो झाबुआ क्षेत्र हुआ और इधर, तो उनके लिए थोड़ा ध्यान दिया जाए। आदिवासी इलाकों में जी काम करने का दावा किया जा रहा है। हाँ, पर वो हो नहीं आ रहा है सर, सिर्फ वो वोट बैंक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आदिवासी अभी भी वोट बैंक? यस यस सर। तो आदिवासी को इसमें तो नहीं उलझा रहा कोई कि तुम हिंदू हो? नहीं नहीं नहीं, ये इसमें नहीं है, पर उनका जो बेसिक नीड है वही पूरी नहीं हो पा रही है। यस सर, उनकी एजुकेशन बेसिक। हाँ, अगर उनका एजुकेशन होगा तो आगे बढ़ के आएंगे। और मेरा ख्याल है कि आदिवासी पूरे देश में तकरीबन आधी से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं। यस सर, वो एजुकेशन बहुत जरूरी है सर। आप भी वोट करते हैं सर? कौन सी सीट थी? वार्ड नंबर महू से हम लोग, वार्ड नंबर 5 से। अच्छा, क्या मुद्दे आपके हिसाब से इस बार लगते हैं? सर ये सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा होकर के रह गया, ऐसा है नहीं कि सबका साथ सबका विकास हो। तो जो दावे हैं क्या वो पूरे नहीं हो रहे हैं या कम पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे हैं, और सिर्फ चुनाव के टाइम ही ये सब चीजें, सारे मुद्दे और ये सारे मीठे मीठे ख्वाब और हसीन ख्वाब दिखाए जाते हैं, बाकी उसके बाद में कुछ भी नहीं। मानते हैं कि चुने जाने के बाद नेता आसमानी हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तलाश करने में भी नहीं मिलते हैं। किस मुद्दे पर ज्यादा काम होने की जरूरत है? सर सबसे ज्यादा तालीम की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। तालीम अगर होगी तो फिर ये झूठे वादों में इंसान नहीं आएगा, उसको सही और गलत में जो है फर्क करने की तमीज पैदा हो जाती है, इसलिए तालीम मेन मुद्दा है। बहुत जबरदस्त और मार्के की बात कि जब आप तालीम हासिल कर लेते हैं तो सही और गलत में फर्क करना आप सीख जाते हैं। आप वोट करते हैं सर? आप वोट करते हैं? सभी से बात करने की कोशिश है, जो बात करेगा उसका स्वागत, जो नहीं करेगा उसका भी डबल स्वागत। क्या मुद्दे आपको लगते हैं? ये एजुकेशन सबसे मेन चीज है। उसके बाद सबसे चीज ये इम्पोर्टेंट है कि यंगर्स की बातें मेजोरिटी में सुननी चाहिए। तो ये जो युवाओं के फोकस की बात होती है, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे, तो फोकस है उनका या सिर्फ बातें हैं? ये होता है सर, पर कहीं ना कहीं अपना इंडिया बहुत बड़ा है, यानी कि तो कुछ कुछ स्टेट्स में अच्छा भी चल रहा है, कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि बिल्कुल बेक कर देते हैं। और परफॉर्मेंस की जरूरत है। हाँ, अगर सेंटर इनिशिएटिव ले तो हर जगह वो हो सकता है। हाँ, जैसे जो है ना एजुकेशन ये जो अपनी कंट्री को बनाता है, प्राइमरी से ये चीज चालू होती है तो कहीं ना कहीं कंट्री को सपोर्ट मिलेगा डेवलपमेंट में। स्किल डेवलपमेंट वाकई में हो रहा है या और ज्यादा उसको होने की? स्किल डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है स्किल डेवलपमेंट, कहाँ होता है? तो बहुत सारे एजुकेशन में नहीं है, हालांकि कोशिश और दावे जरूर किए जाते हैं कि स्किल इंडिया को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार अच्छा कर रही है, पर बट क्या है कि नौकरी के मामले में नौकरी बहुत कम कर दी सरकार ने। पहले जो अग्निवीर चालू कर दी आर्मी के अंदर, वो गलत है, 4 साल में क्या करेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये जो नौकरी है ना, नौकरी के बारे में इन्होंने बहुत कम कर दिया मोदी सरकार ने। बाकी तो जो हो रहा वो तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, जैसे राम मंदिर बनाया, उसके बाद में अपना वो 370 जो धारा हटाई है वो भी ठीक किया, बट इन्होंने जो नौकरी के बारे में ना, नौकरी बहुत कम कर दी। रेलवे की नौकरी पूरी खत्म कर दिया पूरा प्रोवाइड कर, वो कहे तो वो तो पहले भी 5 साल से कह दिया उन्होंने, पर करता कुछ नहीं है, यही मैं बोलना चाहता था। अच्छा हुआ है काम, और अच्छा होगा, और अच्छा होना चाहिए, बट नौकरी के मामले बेरोजगार बहुत है, बट मैं तो सर्विस में हूँ, मैं आर्मी में हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपकी बातों से लगा जिस दमदारी से आपने बात रखी, नहीं वही और कुछ, बस वही बोल रहा हूँ, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस नौकरी बहुत कम कर दी है, पहले रेलवे में नौकरी थी, वो नौकरी खत्म हो गया, अब प्राइवेट में दे दिया पूरा रेलवे को, वो गलत है। बहुत सारे जो मेरे परिचित रहे हैं वो आर्मी में हैं, वो दबे छुपे एक बात कहते हैं कि जब नेताओं को पेंशन मिलती है, बाकियों को पेंशन मिलती है, बहुत सारे ऐसे हैं, IAS PCS को पेंशन मिलती है, सिर्फ सैनिक को पेंशन देने में क्या दिक्कत है? आपको भी लगता है वही है? सही है, होना चाहिए, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। सैनिक का जो 4 साल का जो किया वो गलत है, क्योंकि उससे क्या है कि सैनिक का जो सैनिक नौकरी करता है उसके बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलेगा, उसका फायदा क्या है? अगर नौकरी, अगर पेंशन बंद करना है तो इन नेताओं का भी बंद करना चाहिए, ये मेरा कहना है। खैर मेरी तो पेंशन है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट जो हाँ अग्निवीर को ये बहुत मार्के की बात है, नौकरी पर फोकस, और जैसे कि हमने कहा है कि कई कई तबकों को पेंशन मिलती है, तो फिर हम सैनिक की पेंशन को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? आपको लग रहे हैं इस बार सर क्या मुद्दे बनाए सर? आरक्षण हटा दीजिए सर, आरक्षण हटवा दीजिए। आरक्षण की वजह से दिक्कत आ रही सर, जनरल को दिक्कत आ रही सर। ओके,
हाँ। तो जो एक बात कही जाती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हाँ वो सही है ना, सही है। आरक्षण के अलावा बस बाकी तो बराबर चल रहा है सर। सरिया जहाँ 7,000 रूपए 6,000 था, आज 5,551 मिल रहा है। सीमेंट 380 मिल रही थी, 340 मिल रही है। से जुड़े हैं आप बहुत सारी चीजें ना सर, तेल आपका 180-170 था, आज 90-100 मिल रहा है। तो ये क्यों देख रहे हैं आप? विपक्ष तो कह रहा है कि कमर तोड़ महंगाई हो गई। कहाँ हो रही बताइए ना आप, कहाँ दिखा रहा है आपको? यहाँ कहीं किसी के हाथ में दिखा, जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। ये डाटा वर्सेज डाटा का है, लेकिन बात मार्के की है। एक जो रिजर्वेशन को लेकर इन्होंने कही, दूसरा कि हम अगर महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं तो हमारे पास वो आंकड़े होने चाहिए कि हमारे जेब के अंदर कितना जा रहा है। आप भी वोट करते हैं बिल्कुल, क्या बिल्कुल। आपके हिसाब से मुद्दा है आरक्षण? आरक्षण के अलावा आरक्षण उन्होंने कहा बहुत बेहतर। आर्मी रिटायर्ड है, आप भी आर्मी से हैं, बहुत अच्छी बात, सैल्यूट है आपको। आर्मी मैन हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वोट करते हैं सर आप, क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा के लिहाज से? मुद्दे सर हर बार वही है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, पूरे देश के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है यूथ के लिए। तो बाकी एजुकेशन के लिहाज से भी आप देखेंगे तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट इस तरफ भी बहुत ध्यान दे एजुकेशन के मुद्दे पे भी। जी सर, एजुकेशन और ज्यादा इंस्टीट्यूट वाइज होना चाहिए, टीचर वाइज होना चाहिए, कैसे? नहीं सर, टीचिंग की जो गुणवत्ता है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि टीचर की जो बहाली है, जो रेशियो है स्टूडेंट का और आपके शिक्षक का, वो अभी भी बहुत खराब है, ज्यादातर राज्यों में खराब है। तो सरकार को उस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो अनुपात है वो अच्छा हो, जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हो। अच्छा, टीचर शिक्षक अनुपात की इन्होंने बात कही, मेरे ज्यादातर जो मित्र हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए, आपको लगता है कि टीचर से सिर्फ टीचर का काम होना चाहिए, उसको हर जगह लगा दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह सहमत है इस बात से, क्योंकि टीचर पे जो अतिरिक्त बोझ डाला जाता है बाकी कामों का, जनगणना का, बहुत कामों का, तो इससे उनकी उनका भी एक लिमिट है काम करने का, आप उनसे 12 घंटे काम नहीं करा सकते हैं किसी मुद्दे। तो ये जो मार्के की बात आई, हम शिक्षक से हर वो काम करा रहे हैं जो उससे शिक्षा से डाइवर्ट करता है, ये एक बड़ा मसला है, बड़े मार्के की बात इन्होंने कही है। आप वोट करती हैं, क्या मुद्दे आपके हिसाब से? बीजेपी के लिए, जो बीजेपी सही काम कर रही है आपको लगता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि अब हमें वुमेन को डिसीजन मेकिंग देनी है नौकरियों में भी, आपको लगता है अच्छा फैसला है? मोदी जी जो कर रहे हैं सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा है ना, सबकी राय ले रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है जी। आप वोट करते हैं कहाँ? हाँ, वोटर हैं आप? रतलाम के। रतलाम के वोटर? हाँ। क्या आपको कमी लगती है अभी? नहीं, कमी तो कुछ नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ के जो विधायक है ना बीजेपी से, वो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट सब उसमें सब तरफ से ध्यान दे रहे हैं, प्रॉपर। हाँ मिलते हैं, वो तो रेगुलरली कार्यालय पे उनके, कुछ भी दिक्कत रहती तो अपन बिंदास जाके बात कर सकते हैं उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। रतलाम से मेरे ख्याल चैतन्य कश्यप जी जो कैबिनेट मंत्री बने अभी। हाँ, कश्यप साहब तो खैर वो इस बात का इंतजार, मैंने उनके बारे में सुना है कि उस बात का इंतजार नहीं करते कि उनको उनके मद में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ ये मैंने उनके बारे में सुनी, चैतन्य कश्यप के बारे में बात कही जा रही है। वैसे भी हम रतलाम अभी जा रहे हैं, आप वोट करते हैं सर? कर रहे हैं। क्या मुद्दे आपके हिसाब से लग रहे हैं इस बार, कहाँ कमी है, क्या अच्छा हुआ? नहीं सभी अच्छा है मोदी के हिसाब से, मेरे हिसाब से अच्छा जो मोदी जी कर रहे हैं। ड्रोनों में तो टाइम लगता है, महीनों महीनों बेटिंग रहती है, 15-15 दिन बेटिंग रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि वो तो धीरे धीरे बढ़ रही है, सुधार हो रहा है और होता जाएगा, एकदम तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या मुद्दा रहेगा जैसे बटन दबा रहे होंगे, क्या दिमाग में चल रहा होगा? जो देश का विकास कर रहा है उसके ऊपर वोट डालेंगे। देश का जो विकास कर रहा है, पढ़ाई की पढ़ाई कहाँ तक की आपने? अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ इंदौर से। इंदौर से बीटेक कर रहे हैं जी सर। आपको लगता है कि आईटी हब के रूप में इंदौर में अभी भी कमी है? हाँ सर, कमी तो है, क्योंकि मेनली देखा जाए तो विजयनगर साइड थोड़ा डेवलपमेंट है और आईटी पार्क और इधर देखा जाए तो। क्या आपको लगता है वकील साहब क्या कमी है और क्या होना चाहिए? सर मेरे इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो इंटर्नशिप की काफी प्रॉब्लम आती है, भटकना पड़ता है बहुत ज्यादा, प्रॉपर गाइडेंस। वकील बनने के बाद तो यार एकदम दबंग हो जाता है होने के बाद, लेकिन उसके पहले का संघर्ष। नहीं ठीक है, बढ़िया है। सीटों की कमी लगती है थोड़ी बहुत, MBBS सीट की गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन ज्यादा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही ऊपर से। हाँ जो ड्रॉप दे रहा है उसको तो स्कॉलरशिप दो, वो भी तो उनके साथ, वही दो। तो ये बात दूसरी बार निकल कर आई है इसी एक सेम बोगी से, रिजर्वेशन एक बड़ी समस्या लोगों को लग रही है कि उसका एक सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन जो सबको सेटिस्फाइड लगे, सबको बेहतर लगे, उस तरफ काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल जवाब के सिलसिले तो खैर लगातार जारी रहेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो कारवां दिल्ली से शुरू हुआ था वो रतलाम पहुंच चुका है,
और लगातार वोटर के मानस को आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गाड़ी बुला रही है भांपने की कोशिश कर रहा है। ये रतलाम का दिव्य भव्य स्टेशन आप इस वक्त देख रहे हैं। रतलाम का जिक्र जब भी आता है हम जब वी मेट के एक सीन को याद करते हैं, लेकिन नहीं, ये खूबसूरत शहर इस वजह से भी याद किया जाना चाहिए कि यहाँ के लोग इतनी आत्मीयता से आपका स्वागत करेंगे, इतनी आत्मीयता से आपको खिलाएंगे पिलाएंगे कि आप उफ कर जाएंगे। इसके अलावा इस इलाके को जाना जाता है जो वर्ग है सोने चांदी के काम के लिए, साड़ियों के काम के लिए, कारीगरी के लिए, सूखे मेवे के लिए, बहुत सारी खूबियां इस खूबसूरत शहर में है। बहरहाल हमारा सिलसिला चूंकि शहर का नहीं पटरी पटरी का है तो लगातार ये कारवां जारी रहेगा, इसी तरीके से आप तक वोटर का मानस पहुंचाते रहेंगे। मैंने रतलाम झाबुआ का समीकरण आपको बता दिया है। पटरियों पर पॉलिटिक्स की ये चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट विपिन और आपके दोस्त ललित प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।